द्वारकावाड़े की निगम पार्षद नीतिका शर्मा ने नमो ऐप अभियान व मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुँचे और लोगों को नमो ऐप के बारे में बताया और कहा कि हमारा लक्ष्य नजफगढ़ जोन में नमो ऐप से 10 लाख लोगों को जोड़ने का है। नमो ऐप में भाजपा की 2014 से 2019 की सभी योजनाएं हैं और 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कार्य किए सब कुछ इस ऐप में मिलेगा। नमो ऐप में जुड़ने से प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी का भी मौका मिलेगा। इस मौके पर मीडिया ने भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व द्वारकावाड़ ए की निगम पार्षद नीतिका शर्मा से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली द्वारकावाड़ ए। बूथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, नमो ऐप मेरा बूथ। आज द्वारका ए और नजफगढ़ जिले के अंदर हमने नमो ऐप अभियान जो पूरी दिल्ली में 11 जुलाई को प्रारंभ हुआ था, दिल्ली में 10 लाख लोगों को हम नमो ऐप से जोड़ेंगे और नमो ऐप अभियान हमारा अभियान है। नमो ऐप के जुड़ने के माध्यम से डायरेक्ट पार्टी के कार्यकर्ता हो, दिल्ली का हर नागरिक डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ेगा। हम कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हैं उसको प्रधानमंत्री जी तक पहुँचते हैं और मोदी सरकार के कार्यक्रमों को, मोदी सरकार जो जनता के लिए, जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सारी बातें ग्राउंड लेवल पर पहुंचने का काम ये नमो ऐप करेगा। एक गागर में सागर भरने का काम नमो ऐप कर रहा है और इसको हम दिल्ली के जन जन की आवाज़ नमो ऐप अभियान इस माध्यम से हमने लिया है और इसको हम संकल्प को पूरा करेंगे। नजफगढ़ जिला भी 1 लाख लोगों को नमो ऐप अभियान से जोड़ेगा और द्वारका ए वार्ड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी अच्छा करेगा। आदेश जी, क्या ये माना जाए कि ट्विटर फेसबुक से लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है और अब शुरुआत हो रही है आईटी डिपार्टमेंट को मजबूत करने की? देखिए, ये ट्विटर फेसबुक से लड़ाई किसी से नहीं है। हम 2014 से नमो ऐप चल रहा है, प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते उसकी सारी जानकारी मिलेगी। जब सरकार के द्वारा किए कामों की सही और ऑथेंटिक जानकारी का एक प्लेटफॉर्म है। मोदी जी को कोई बात आपने कहनी, आज 130 करोड़ का देश है, 130 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री जी ने इसको चुना है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और इसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी बात कह सकता है प्रधानमंत्री जी को। और इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री विश्व के अंदर अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इसलिए नमो ऐप अभियान सिर्फ एक नमो ऐप नहीं है, ये जन संवाद और जन कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। कोई आम आदमी अगर नमो ऐप पे पेट्रोल की दाम को लेकर के ट्वीट करता है या डालता है तो क्या उस पर एक्शन माना जाएगा, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, कोई व्यक्ति हो, किसी पार्टी का हो, कहीं रहता हो, पहाड़ में रहता हो, नॉर्थ ईस्ट रहता हो, कहीं ग्रामीण इलाके में रहता हो, आदिवासी, सबकी बात सुनते हैं और सब पर एक्शन भी लेते हैं, काम भी करते हैं और तभी आज वो ये मादा रखते हैं कि वो सुनते भी हैं, सुनाना भी चाहते हैं, बात भी करते हैं, मन की बात भी करते हैं और लोगों को उसी तरह की जनता को सुविधा और कल्याण की कामना। आपको उन्होंने धन्यवाद किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे दिल्ली में ये अभियान चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से और नमो ऐप पे पूरा, क्योंकि ये 10 लाख मेंबर्स हम बनाएंगे इसमें और ये सबको एक जोड़ने का माध्यम है ताकि हम जन से जुड़ सकें और अपनी बात इस ऐप के माध्यम से मोदी जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास पहुंचा सकें। कितना लक्ष्य रखा गया है नमो ऐप से लोगों को जोड़ने के लिए? देखिए, मिनिमम 10 लाख है और मुझे लगता है जिस तरह से लोगों में क्रेज है माननीय मोदी जी का और अध्यक्ष जी का, हमारे आदेश गुप्ता जी का, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।